2023 में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी टू ग्रो योर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड इंक्रीज योर एंगेजमेंट इज टू अपलोड इंस्टाग्राम रील्स कंसिस्टेंटली। मैंने एक महीने में 20,000 फॉलोअर्स गेन किए थे विद द हेल्प ऑफ रील्स। अब तक मेरी 26 रील्स को मोर देन 1 मिलियन व्यूज मिले हैं, उसमें से हाईएस्ट वायरल रील को 17.1 मिलियन व्यूज मिला है। बट आई अंडरस्टैंड रील्स को क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। वेल, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। आपको अपना वर्क फ्लो को स्पीड अप करना पड़ेगा टू मेक मोर रील्स इन लेस टाइम। इस वीडियो में मैं आपको फ्री ऐप वीडियो एडिटर से मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा टू क्रिएट 30 रील्स इन 3 आवर्स। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो तो मेरा नाम सनी है और मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ बेस्ड इन इंडिया। शाउट आउट टू ब्रैंडन वॉशिंगटन, जिसके वजह से आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस ब्रिलियंट कंटेंट स्ट्रेटजी। ऑल्सो मुझे VN वीडियो एडिटर ने स्पॉन्सर नहीं किया है इस वीडियो के लिए। मैं जेन्यूनली इस ऐप को यूज करता हूँ टू क्रिएट रील्स ऑन माई पेज। VN वीडियो एडिटर एक सुपर पावरफुल एडिटिंग ऐप है जो आपको रील्स परफेक्टली एडिट करने में हेल्प करता है फॉर बोथ एंड्रॉइड एंड iOS। इस वीडियो में मैं आपको मेरा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच और प्रोसेस दिखाऊंगा, जिसके वजह से मैं कंसिस्टेंटली रील्स को अपलोड पाता हूं टू बिल्ड माय ऑडियंस एंड ग्रो माय अकाउंट। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर, आर्टिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर या फिर एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो जो स्ट्रगल कर रहा है इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंटली रील्स को अपलोड करने में, तो ये वीडियो एंड तक देखना। अगर ये सब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो डू मी अ फेवर, ड्रॉप अ लाइक डाउन बिलो, दैट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गो। पहले इस स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मुझे मेरा वर्क फ्लो फास्ट करना हो तो मैं 30 अलग टाइप की रील्स को अपलोड नहीं करूंगा। मैंने 5 अलग टाइप की रील्स को चूज किया है और हर एक टाइप में 6 अलग रील्स को बनाना है। इससे हम अपना आउटपुट स्मार्टली और एफिशिएंटली इंक्रीज कर पाएंगे विद लेस इनपुट। इस स्ट्रेटेजी को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखा है। फर्स्ट, माई रील्स विल बी ऑडियो इंडिपेंडेंट। ऐसे रील्स को क्रिएट करने के लिए मुझे ऑडियो की जरूरत नहीं है। मुझे म्यूजिक के बीट्स पे एडिट नहीं करना है जिससे मेरा टाइम ज्यादा जाएगा। मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के टाइम जो भी ऑडियो होगा वो यूज करूंगा। माई रील्स वुड बी लेस देन 15 सेकंड्स, बिकॉज मेरी जो भी रील वायरल गई है उसमें से 95% रील्स आर लेस देन 15 सेकंड्स। आपको ऑलरेडी वीडियोस को शूट करके एक फोल्डर में ट्रांसफर कर देना है, इससे आपका एडिटिंग में टाइम बच जाएगा। आपको अपने नीश के हिसाब से रील बनाना है। मैं ये सारी रील्स को ट्रैवल और लाइफस्टाइल के टॉपिक्स के अराउंड बनाऊंगा और इससे आप रेप्लिकेट कर सकते हो अपने नीश में। अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप ऑफ रील। हमारा फर्स्ट रील टाइप वुड बी 3-in-1 स्प्लिट स्क्रीन वीडियो। ये एस्थेटिकली प्लीजिंग लगता है एंड इट्स वेरी एंगेजिंग फॉर द ऑडियंस। मैं इसे बहुत यूज करता हूँ टू टेल स्टोरीज विजुअली, बिकॉज एक ही रील में आपने 3 अलग क्लिप्स डाली है, देयर इज अ ब्राइट चांस फॉर पीपल टू रीवॉच इट। इससे आपका रील का एंगेजमेंट बढ़ेगा, जिससे आपके वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपके पास 3 हॉरिजॉन्टल क्लिप्स होनी चाहिए। जितना ज्यादा मिनिमल फ्रेम्स उतना वो केओटिक नहीं लगेगा। लेट्स ओपन VN वीडियो एडिटर ऐप, न्यू प्रोजेक्ट। मैं एक हॉरिजॉन्टल क्लिप को चूज कर रहा हूँ। आपको ओरिजिनल पे क्लिक करना है, 9:16 में रखना है, दैट इज एन एस्पेक्ट रेशियो फॉर इंस्टाग्राम रील्स। अभी आपको गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्टॉक्स और बाकी की 2 क्लिप्स को ऐड करना है। आपको तीनों क्लिप्स को रीअलाइन करना है। आपको गैप्स नजर आ रही होगी, आपको वीडियो को जूम या फिर एक्सपांड करना है और अभी आपको एक्सपोर्ट करना है। ये आपका स्प्लिट स्क्रीन वीडियो रेडी हो गया है। देखा कितना इजी था, येट विजुअली अपीलिंग। अगर आप इसको और लेवल अप करना हो देन यू कैन मेक इट 4-in-1 स्प्लिट स्क्रीन वीडियो। आपको प्रोसेस सेम फॉलो करना है, बट इंस्टेड ऑफ 3 क्लिप्स आपको 4 क्लिप्स को ऐड करना है। और इस टाइप की रील बनाने के लिए मुझे कोई ऑडियो की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बस इंस्टाग्राम के रील्स टैब को स्क्रॉल करूंगा और जो भी मुझे ट्रेंडिंग ऑडियो पसंद आया विद रिस्पेक्ट टू द वीडियो वो मैं ऐड कर दूंगा एंड आई एम गुड टू गो। तो मैंने 6 रील्स बना ली इन लेस देन 1 आवर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रील टाइप, स्लो मोशन सिनेमैटिक वीडियो। यूजुअली ट्रेंडिंग सूदिंग ऑडियो पे काफी अच्छा कनेक्ट होता है। अगर आप फोन पे वीडियोस को शूट कर रहे हो देन आइदर शूट इन 4K और 1080p 60fps, बिकॉज फिर वो आप एडिटिंग में स्लो कर सकते हो। मैंने कश्मीर के स्नोफॉल का स्लो मोशन वीडियो डाला था ऑन माय इंस्टाग्राम और उसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आपको बस VN वीडियो एडिटर ऐप को ओपन करना है, आपको क्लिप को ऐड करना है, फिर आपको स्पीड में जाना है और रेगुलर पे क्लिक करो और आपको 0.5 to 0.8x पे जाना है। आई थिंक 0.7x इज गुड। बस फिर अभी आपको क्या करना है, फिल्टर में जाना है और आपको जो भी आपका कलर प्रेफरेंस हो, कलर ग्रेडिंग, वो आप कर सकते हो। मैंने T1 यूज किया और फिर मैंने एडजस्ट किया मेरा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन। वेल, हो गई मेरी स्लो मोशन सिनेमैटिक रील रेडी। अगर इसमें आपको टेक्स्ट को ऐड करना हो तो आप जब भी अपलोड करने के टाइम इंस्टाग्राम का टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो। प्रो टिप, इसमें ट्रैवल और नेचर कैटेगरी के वीडियोस काफी अच्छा लगता है। और मैंने ऐसे ही 6 स्लो मोशन सिनेमैटिक वीडियो रील बना ली इन लेस देन 30 मिनट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रील टाइप,
ये एक बेस्ट रील टाइप है अगर आप फोटोज को ज्यादा शूट करते हो। ये सबसे इजी रील है टू मेक और इसमें यूजुअली लैंडस्केप फोटोज ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसके लिए आइडियली आपके पास हाई क्वालिटी हॉरिजॉन्टल फोटोज होने चाहिए। मेरी एक रील को मोर देन 80,000 व्यूज मिला है बाय जस्ट एडिंग अ फोटो एंड टेक्स्ट। बेसिकली इसमें आपको एक फोटो को मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट लुक्स लाइक इट्स अ वीडियो। आइए देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। प्रेस ऑन द प्लस साइन, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, एड एन हॉरिजॉन्टल इमेज। आपको ओरिजिनल में जाके इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है, दैट इज 9:16। आपको फिर नीचे जाके अप्लाई फिल, फिर आपको इसका ड्यूरेशन बढ़ाना है अप टू ऑलमोस्ट 10 seconds, बिकॉज 10 seconds में ऑलमोस्ट सारे ट्रेंडिंग ऑडियो आ जाते हैं। फिर आपको जूम को ऐड करना है, जूम, मूव लेफ्ट। आप देख सकते हो कैसे पैन हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसमें क्या करना है, आपको टेक्स्ट में ऐड करना है माय मिलियन डॉलर स्टार्स होटल व्यू। आप टेक्स्ट में मोशन डाल सकते हो, दैट इज फेड, और मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इसका। आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। परफेक्ट, ये रील हो गया। कितना इजी था, आप एक फोटो से खाली उसको पैन करके एक रील बना सकते हो उसमें टेक्स्ट को ऐड करके। और माइंड यू पहले मैंने यूज किया था तभी स्टार्टिंग में मुझे भी लग रहा था कि एक वीडियो है, बट एक्चुअली मैंने ध्यान से देखा तो इट वॉज अ फोटो। सो अगर आप ज्यादा फोटोज को शूट करते हो तो ये रील टाइप आपके लिए सबसे इजी होगा। मैंने ऐसे ही 6 रील्स को बना ली इन लेस देन 30 मिनट्स। अगर आपको ये वीडियो अब तक वैल्यूएबल लग रहा है तो काइंडली लाइक द वीडियो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट रील आइडिया। हम सबको मोटिवेशन की कभी ना कभी तो जरूरत महसूस हुई होगी। मोटिवेशन की बात की ही है तो आप कोट्स को ऐड कर सकते हो अपने वीडियोस में टू मेक इट मोर इंस्पायरिंग। खाली मोटिवेशनल कोट्स ही नहीं, आप पोएम्स को भी ऐड कर सकते हो अपने वीडियोस में। मैंने रिसेंटली कोट डाला मेरे वीडियो पे ऑन अ ट्रेंडिंग ऑडियो और मेरी रील को 3.9 मिलियन व्यूज मिले। कोट्स कैन बी मोटिवेशनल, सैड, लव, लाइफ एक्सेट्रा। जो विजुअल और इमोशन का कोट चाहिए वो आपको गूगल करके मिल जाएगा। बेसिकली आप कोई भी इमोशन के कोट्स को यूज करो विद अ रिलेटेड ट्रेंडिंग ऑडियो। आपको VN वीडियो एडिटर ऐप को ओपन करना है और क्लिप को ऐड करना है। इसको मैं कलर ग्रेड करूंगा थोड़ा, मुझे T6 थोड़ा अच्छा लगा, एडजस्ट करूंगा। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, पर सैचुरेशन बढ़ाऊंगा, वाइब्रेंस बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाया मैंने। और दूसरी क्लिप का भी मैं एक्सपोजर बढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया मैंने ऑलरेडी, थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाऊंगा। दैट्स इट, मैंने कलर ग्रेड भी कर दिया। अभी मुझे टेक्स्ट को ऐड करना है। आप ये टेक्स्ट VN में भी डाल सकते हो या फिर इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हो। मैं यूजुअली इंस्टाग्राम ऐप पे ही टेक्स्ट को ऐड करता हूँ बिकॉज मुझे उसके फॉन्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं। लो, बन गया आपका कोट्स वाला रील। ऐसे वीडियोस में सेव्स और शेयर्स बहुत आते हैं। इनफैक्ट मेरी एक रिसेंट वीडियो में ही 849K व्यूज आए। जितना रिलेटेबल कोट उतने शेयर्स ज्यादा। इसमें और एक एडिशन हो सकता है, द पावर ऑफ दीज लाइंस। रील्स इज बेसिकली हाउ यू यूटिलाइज म्यूजिक विद वीडियो। सो आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग, सिंगर या लिरिक्स हो, यू कैन यूज दैट ऑडियो विद अ प्लीजिंग विजुअल एंड ऐड दिस टेक्स्ट, द पावर ऑफ दीज लाइंस। मेरे एक वीडियो में 200K प्लस व्यूज आया आफ्टर एडिंग द टेक्स्ट द पावर ऑफ दीज लाइंस। मैंने ऐसे 6 रील्स बना ली इन लेस देन 30 मिनट्स। कमेंट बिलो योर इंस्टाग्राम हैंडल, मैं 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा मेरे स्टोरीज में अगर मुझे आपकी रील्स पसंद आई। लेट्स मूव टू द लास्ट टाइप ऑफ रील। POV Reels is basically a point of view Reels. ये बहुत trending है और मैं इसे बहुत use करता हूँ। मेरे बहुत सारे videos को million plus views मिले हैं because of adding my POV to the video clips. Basically, आप अपना point of view share कर रहे हो on your visuals so that the audience feels they are a part of the video. आप अपने feelings को express करो using text based on the video. आपको VN video editor को open करना है। मैंने इसमें clip डाल दी जो मुझे काफी अच्छी लग रही है। पहले इसको color grade करूंगा, तो अब मैं filter पे जाऊंगा, मैं देखता हूँ मुझे कौन सा filter अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगा। अभी मैं एडजस्ट में जाऊंगा, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाऊंगा, ब्राइटनेस थोड़ी कम करूंगा, सैचुरेशन बढ़ाऊंगा, वाइब्रेंस बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाऊंगा, बिकॉज ये सनसेट के टाइम शूट किया है, मुझे रेड कलर ज्यादा उभर के लाने हैं। अभी मैं इसमें टेक्स्ट को ऐड करूंगा, POV, इसमें मैं मोशन को ऐड करूंगा फेड। बेसिकली POV, यू आर इन हिमालयस फर्स्ट डोम विद प्राइवेट हॉट पूल। ये काफी अच्छा लोकेशन था, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। देखा, ये रील रेडी हो गया। इसमें आप जितना क्रिएटिव होगे टेक्स्ट में बेस्ड ऑन द वीडियो उतना बेटर। ऐसे ही मैंने 6 रील्स को बना ली इन लेस देन 30 मिनट्स। फाइनली आप देख सकते हो कि मैंने 5 अलग टाइप की रील्स में से 30 रील्स को क्रिएट किया इन लेस देन 3 आवर्स। मैं रील्स को ऑल्टरनेट डेज अपलोड करना प्रेफर करता हूँ, मतलब मेरा ये कॉन्टेंट 2 महीने तक चलेगा। ये टेक्निक के लिए आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको वीडियो क्लिप्स को रेडी रखना है। आपने 30 रील्स को क्रिएट तो कर ली, बट अगर आप हर रील को मैन्युअली अपलोड करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसका भी सलूशन है, इंस्टाग्राम का नया फीचर आया है शेड्यूल कंटेंट। आप जब अपने रील को अपलोड करोगे तो आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना है।
शेड्यूल दिस रील। आप अपना डेट और टाइम चूज कर लो और आपका रील शेड्यूल हो गया। इसमें आइडियली आपको 5 रील्स को एक साथ शेड्यूल करना है, बिकॉज ट्रेंडिंग ऑडियो बदलता रहता है और आप जितना रेलेवेंट और नया ट्रेंडिंग ऑडियो डालोगे उतना आपके रील के वायरल होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप मेरी ये टेक्निक को फॉलो करोगे तो आप जरूर कंसिस्टेंटली रील्स को अपलोड कर पाओगे। डू गिव इट अ ट्राई बिकॉज इट्स वर्थ अ शॉट। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपके लिए तो ये फ्री है बट इट मैटर्स अ लॉट टू मी। आप इस वीडियो को अपने क्रिएटिव फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उनको भी ये टेक्निक के बारे में बताओ। आप इंस्टाग्राम पे मेरा काम चेक कर सकते हो @worthashot। आपने 30 रील्स को तो क्रिएट कर लिया, बट अगर आपको मेरी एक्सपोर्ट सेटिंग्स जाननी हो टू अपलोड हाई क्वालिटी रील्स, वॉच दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।